औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अगर आपको कोई भी मसला, कोई भी परेशानी या रूहानी इलाज की ज़रूरत है या इस्तखारे की ज़रूरत है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तो आप हमसे मदद हासिल कर सकते हैं। आज जो मैं आपको अमल और वजीफ़ा बताऊँगी, ये इस कदर खूबसूरत और एक खूबसूरत वाक़े के ऊपर मुश्तमिल है कि एक बुज़ुर्ग हस्ती जो बहुत परेशान, बहुत तकलीफ़ में, ये उनका बताया हुआ जो है वजीफ़ा है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बुज़ुर्ग लकड़ियाँ काटने जंगल में जाया करते रोज़। जंगल में जब जाने लगे तो जब लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद वो उन लकड़ियों को जब बेचने के लिए दूसरे दिन आते तो वो लकड़ियाँ जल जाती। फिर ऐसा ही हुआ, उन्होंने क्या किया, जो लकड़ियाँ जली हुई थी उनमें से चंद कोयले, जैसे कॉइल्स होते हैं, तो वो कोयले जो छोटे छोटे पीस थे वो उठाकर तो अपने घर ले आते। इसी तरह 7 दिन ऐसा ही होता रहा। तो वो इस वजह से इतना ज़्यादा तकलीफ़ में आ गए कि वो बहुत ज़्यादा रोते थे, बहुत ज़्यादा, तो आँखों की बिनाई आ गई कम थी, तो कुछ ही अरसे में वो अंधा हो गए, नाबीना हो गए। इस बात की तकलीफ़ उनके दिल में हमेशा रही कि वो अपनी औलाद के लिए, अपनी आले औलाद के लिए कुछ ना कर सके। लेकिन उनका एक काम था कि जब भी उनके घर के बाहर कोई सवाली आता तो उन्होंने अपने कमरे से, जहाँ पर वो बैठकर इबादत करते थे एक जाय नमाज पर, तो उस कमरे से लेकर दरवाजे तक उन्होंने एक रस्सी बांधी हुई थी। तो रस्सी के ऊपर एक टोकरी रखी उन्होंने, तो वो टोकरी जो थी दरवाजे तक लेकर जाती थी। हालांकि घर वाले कहते थे कि हमें आप बता दें तो हम खुद उनको अपने हाथ से जो है, जो भी आप अंदर से मतलब कि दिया करेंगे खाने के लिए कोई चीज़ या किसी साइल को, गरीब को, फ़कीर को, तो हम दे दिया करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उनसे सुना था कि जब भी कोई बाहर दरवाजे पे मांगने के लिए आए, साइल आए या कोई फ़कीर आए, तो अपने हाथ से दो। ये तुम्हारा रिस्क भी बुलंद करेगा और तुम्हारे रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत भी होगी, तुम्हारी औलाद नाफरमान नहीं होगी बल्कि वो सदका जारी आखरत के लिए बन जाएगी, तो अपने हाथ से दो। तो वो बुज़ुर्गाने दीन उठकर तो नहीं जा सकते थे, नाबीना थे, तो वो ऐसे रस्सी उन्होंने दरवाजे से अपने कमरे तक बांधी हुई थी, तो उसमें टोकरी में जब भी कोई मांगने के लाता उसके अंदर डाल के, तो रस्सी इस तरीके से मतलब कि आगे करते कि वो उस टोकरी जो सी है उस फ़कीर तक पहुंच जाती या साइल तक पहुंच जाती। तो एक दफ़ा उनके जो घर के जो फर्द थे उन्होंने देखा कि रात के वक़्त कुछ बोलने की आवाज़ आ रही है। बहुत तारीखी अंधेरा था, सर्दियों के दिन थे, तो अंदर आवाज़ आ रही थी अल्लाहू की। तो जब दरवाज़ा खुला तो एक खूबसूरत हस्ती उन बुज़ुर्गों के सामने बैठी हुई उनके साथ इबादत कर रही थी। तो उनका बेटा ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। तो सुबह हुई तो उसने अपने वालिद साहब से सारा किस्सा कहा। उसने कहा कि बाबा, आपके कमरे में मैंने ऐसा कुछ देखा है। तो उन्होंने कहा, बेटा जब मैं ज़िक्र करता हूँ तो मेरे पास फरिश्ते रात को उतरते हैं और मुझे वो मेरी आगे आने वाली मंजिल दिखाते हैं और मुझे कहते हैं कि पढ़ अल्लाहु, और फिर मैं ज़िक्र करता हूँ और वो मेरे साथ ज़िक्र करते हैं। तो उनका जो पूरा घर था ना, वो इसी ज़िक्र में लग गया, अल्लाहु पुकारने लगा। तो हर रोज़ रात को 10 से 15 मिनट वो ज़िक्र करते। तो जो बाबा जान ने जो कोयले जो उनसे थे वो अपने पास हर वक्त मतलब कि रखा करते थे अपने बिस्तर के पास या ऐसी जगह पे। तो एक दिन ऐसा हुआ, उनका वक्त करीब आ गया, उन्होंने अपने बच्चों को हदायत की कि आप भी हर रोज़ अल्लाहू का ज़िक्र किया करें, चाहे 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपको टाइम मिले।
तो उस घर वालों ने यही तरीका अपनाया और हर रोज़ अल्लाह की तस्बीह करने लगे, अल्लाह को पुकारने लगे और उनके घर इतना रिस्क आया कि आपकी सोच होगी। उसके बाद अल्लाह पाक ने जब इतना रिस्क अता फरमाया तो एक दिन बाबा जी की जब डेथ हुई, जब वो फोत हो गए, तो क्या देखते हैं, जब उनका नमाज जनाजा वगैरह करवा दिया गया, मैयत वगैरह लेके, क्या देखते हैं कि वो जो कोयले थे वो सोने की छोटे छोटे पीसों में बदल गए और अल्लाह ताला ने इतना उनको रिस्क भी अता किया। वो कोयले जो लकड़ियाँ, मतलब कि जब वो जाते थे जंगल में और वो जल जाती थी तो वही कोयले वो उठा के जो लाते थे तो वही ज़िक्र व ज़िक्रात करने से तो वो सोने की उसमें रूप में आ गए। तो उन लोगों ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया और ये वाकया सच्चा वाकया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे भी यही गुजारिश की जाती है कि आप चंद सिक्के लें, ठीक है, चंद सिक्के लें, उनको हरे कपड़े में लपेट कर आप किसी ऊंची जगह पर आप रख दें, चाहे वो 2 रुपये का सिक्का हो, 1 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, तो कम से कम उनकी जो क्वांटिटी है वो 11 सिक्के लें, 7 सिक्के लें, सब्बस कपड़े में लपेट कर आप ऊपर किसी भी बुलंद जगह पे रख दें और अल्लाह का जिक्र आपके घर में कोई एक फ़र्द करे, चाहे वो 2 मिनट करे, 10 मिनट करे, करता करता सो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह एक तो उस घर में से कभी रिस्क ख़त्म हो ही नहीं सकता। ये ऐसा नायाब वजीफ़ा मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद अल्लाह की रहमतों और बरकतों से आपके वो सिक्के एक दिन सोने में बदल जाएंगे, सोने में, हीरे में बदल जाएंगे। लेकिन तवक्कल कामिल रखें और अमल करें। एक दफ़ा अपनी बहन के कहने पर ये अमल करके देखें और फिर ये मेरा अपना भी आजमाया हुआ है, जब तक मैं अल्लाह की तस्बीह ना करूँ मुझे सुकून नहीं आता। तो आप भी ये जिक्र करें और फिर देखें, जितना हो सके करें, आज से शुरू करें और फिर रिज़्क की इतनी इतनी रहमतें और बरकतें आपकी सोच होंगी। और सिक्के सब्ज़ कपड़े में लपेट के बस आराम से तवक्कुल कामिल करके कि एक दिन वो सोने हीरे बन जाएंगे तो कहीं पर भी कोने में बुलंद जगह पर रख दें, जैसे हम कुरान पाक को रखते हैं। इसी के साथ अपनी इस बहन को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा।